नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में एक पारी और 25 रनों से शिकस्त देते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की की। अब भारत और न्यूजीलैंड 18 जून को लॉर्ड्स के मैदान पर ट्रॉफी उठाने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगे। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नंबर वन बल्लेबाज व गेंदबाज कौन है, चलिए जानते हैं टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर वन का स्थान बरकरार रखा है, जहां उन्होंने 13 टेस्ट की 23 इनिंग्स में 1675 रन बनाए। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट टेस्ट चैंपियनशिप का नंबर वन बल्लेबाज बनने से केवल 16 रनों से चूक गए। रूट के नाम पर 20 टेस्ट की 37 पारियों में 3 शतक समेत 1660 रन है। चूंकि इंग्लैंड WTC के अपने सभी मैच खत्म कर चुके हैं, ऐसे में रूट दूसरे पायदान पर कायम रहने वाले हैं। तीसरे पायदान पर एक और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज नजर आ रहे हैं, ये बल्लेबाज स्टीव स्मिथ है। उन्होंने 1341 रन अपने नाम किए। बेन स्टोक्स 1334 रनों के साथ चौथे पायदान पर है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप 10 बल्लेबाजों में 3 भारतीयों का नाम शामिल है। अजिंक्य रहाणे 1095 रन बनाकर पांचवें, रोहित शर्मा 1030 रन बनाकर छठवें और विराट कोहली 877 रन बनाकर 10वें स्थान पर है। टॉप 10 बॉलर्स की सूची। तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 14 टेस्ट में 70 विकेट झटकते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खुद को सबसे ऊपर रखा है, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड महज एक विकेट से कमिंस की बराबरी नहीं कर सके। ब्रॉड ने 17 टेस्ट में 69 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड के विरुद्ध 4 टेस्ट में 32 विकेट लेते हुए आर अश्विन 67 विकेटों के साथ WTC टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 3 पर विराजमान हो गए हैं। इस लिस्ट में शामिल अश्विन इकलौते भारतीय है। अश्विन के ठीक नीचे नाथन लायन दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने 56 विकेट जोड़े। 51 विकेट लेने वाले टीम सऊदी पांचवें पायदान पर मौजूद है। इसके अलावा लिस्ट में जोश हेजलवुड 48 विकेट, मिचेल स्टार्क 44, जोफ्रा आर्चर 40 विकेट, जैक लीच 40 विकेट और जेम्स एंडरसन 39 विकेट के साथ मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।